वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स गार्डन के बारे में, गार्डनिंग के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। तो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं प्लांट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती रहती हूँ। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सनफ्लावर इज नॉट जस्ट अ फ्लावर। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आपको सनफ्लावर में बीच का जो पोर्शन दिखता है थोड़ा ब्राउनिश और थोड़ा फसी सा, तो उसमें जो येलो कलर के पैटर्न्स होते हैं वो अगर हम 1000 से 2000 के बीच में इंडिविजुअल फ्लावर लें तब जाके एक सनफ्लावर बनता है। तो क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। आई एम डैम श्योर जो मैं ये फैक्ट बताने जा रही हूँ ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। अच्छा, हम सबको ये तो पता है कि हमारे सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, सेंटीपेड्स होते हैं, लेकिन अगर हम एक टेबल स्पून सॉइल का लें तो उसमें बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। तो क्या ये फैक्ट आपको पता था? तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थर्ड फैक्ट ये है कि क्या प्लांट्स साउंड को रेस्पॉन्ड करते हैं? तो कुछ रिसर्च मानती है कि हाँ, प्लांट्स रेस्पॉन्ड करते हैं साउंड को, और कुछ रिसर्च मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट्स के अंदर ना तो ब्रेन होता है और ना ही ईयर्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर वाइब्रेशन सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे ही साउंड निकला उससे वाइब्रेशंस निकला, और जैसे ही वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट करता है हमारे प्लांट्स को, और फिर प्लांट्स के अंदर जो प्लांट सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे हर पार्ट में, प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस निकलती है तो हमें लगता है कि प्लांट्स रेस्पॉन्ड करते हैं। हमारे गार्डन्स के लिए जब हम प्लांट्स करते हैं बहुत सारे, कुछ तो बहुत ज्यादा सिली होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग होते हैं। तो जो मेरा फोर्थ फैक्ट है वो है हमारे वेजिटेबल से रिलेटेड, यानी कि टमाटो से रिलेटेड। टमाटो का जो सॉइल बेड होता है उसके अंदर बेकिंग सोडा को ऐड किया जाता है टमाटोज को स्वीटर बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो एसिडिक लेवल जो होता है सॉइल का उसको लोअर कर देता है, लोअर डाउन कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे टमाटोज ग्रो होते हैं उनका जो टेस्ट है वो स्वीटर हो जाता है। तो क्या ये फैक्ट भी आपको पता था? जरूर मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो फिफ्थ फैक्ट है वो है आइसक्रीम से रिलेटेड। अब आप सोचेंगे कि आइसक्रीम क्या होता होगा, आइसक्रीम में प्लांट ऐड होता होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आपने ऑर्किड का नाम सुना होगा। जो ऑर्किड प्लांट है हमारा, वहां से एक हमारा फेवरेट डेजर्ट आता है। बताइए कौन सा डेजर्ट है वो? उस डेजर्ट का नाम है वनीला। हमने घर में वनीला पिंच, वनीला आइसक्रीम और बहुत सारी चीजें वनीला से रिलेटेड हमने यूज की हुई है खाने में और बहुत सारी चीजों में। तो क्या आप जानते हैं जो वनीला बीन है वो भी ऑर्किड फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्किड फैमिली से आता है। सिक्स फैक्ट ये है, यू डोंट बी अ गुड कंपोस्टर, विच मीन्स डेडिकेटेड कंपोस्टर होने का कोई बेनिफिट नहीं होता। अब ये मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर हम कंपोस्ट अपना घर में रेडी करते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको सॉइल को बार 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 उसको डिग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। एक बार आपने बनाया और बनाने के बाद आप उसको 3 महीने बाद उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट्स कैसे लगे मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद गार्डन गपशप।